हेलो बच्चों मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूं तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका की नाम है आय और रोजगार का निर्धारण तो बच्चों जैसा कि हम किसी भी सिद्धांत को यदि विकसित करते हैं तो उससे पहले हमें किसी बातों को मान लेना होता है और उन बातों को यदि मान लेते हैं तो जो परिवर्त के मूल्य है अर्थात जिसका हमें निर्धारण करना है वो हम आसानी से ज्ञात कर पाते हैं तो यहाँ पर हम निर्धारण करेंगे समग्र मांग का समग्र मांग जो कि क्या होता है समग्र पूर्ति के साथ मिलकर देश में आय व रोजगार का निर्धारण करता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे तो सबसे पहले हम समग्र मांग और उसके अवयव के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं ताकि हम उसका समग्र पूर्ति के साथ मिलाप करके और आय व रोजगार का निर्धारण कर पाए और आय व रोजगार का निर्धारण जो मॉडल है जो कि समस्ती अर्थशास्त्र का एक सैद्धांतिक मॉडल है जिसके अंतर्गत हम आय का और रोजगार का निर्धारण करते हैं तो वह इसमें क्या होता है समस्ती अर्थशास्त्र में जो भी मॉडल विकसित किए जाते हैं तो उसमें यदि हम किसी परिवर्त के मूल्य को ज्ञात करते हैं तो हमें अन्य बातों को क्या रखना होता है समान रखना होता है जैसा कि हमने अर्थशास्त्र में भी अध्ययन किया था तो शुरू करें हम समग्र मांग और इसके ठीक है बच्चों पर लिखा हुआ भी है कि अर्थशास्त्र का मौलिक उद्देश्य परिवर्तों के मूल्य को निर्धारित करने के प्रक्रमों का वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरणों मॉडलों का क्या करना है विकास करना है कि समस्ती अर्थशास्त्र है वो क्या करता है कि जो भी परिवर्तों का हमें मूल्य

ठीक है बच्चों समझ में आ गया एक ही समय इन परिवर्तन के संबंध में को तो बताना कठिन है अतः जब किसी परिवर्त विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो अन्य सभी परिवर्तों के मूल्य को स्थिर रखना चाहिए यदि हम चाहें कि एक ही समय में सभी के मूल्य को हम ज्ञात कर ले, तो सभी के मूल्य को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता इसके लिए हमें क्या करना होगा यदि हम दो परिवर्तों के मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो हमें अन्य सभी बातों को स्थिर रखना होगा उसके बाद ही हम उस मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि वैश्विक अर्थशास्त्र में मांग के नियम का उदाहरण ले लीजिए मांग के नियम में हम क्या करते थे कि हम अन्य बातें समान रहते थे अर्थात मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों में अन्य बातों को समान रखकर हम कीमत में और मांग मात्रा में संबंध देखते थे कहने का मतलब है अन्य बातें समान रहने पर यदि हमें कीमत ज्ञात है तो हम मांग मात्रा ज्ञात कर सकते हैं मांग मात्रा ज्ञात है तो हम कीमत ज्ञात कर सकते हैं तो इसी प्रकार समस्ती अर्थशास्त्र में होगा कि यदि हमें क्या करना है दो परिवर्तों में से मूल्य ज्ञात करने हैं तो उन दो परिवर्तों के संबंध को देखना है तो हमें अन्य बातें क्या रखनी होगी समान रखनी होगी अन्य बातों को हमें मानकर चलना होगा उसका रूढ़ीकरण कर लेना होगा मान्यता रखनी होगी जिसे कि हम अर्थव्यवस्था में अजेंशन भी कहते हैं कि वो सब चीजें क्या है समान है तब इन दोनों में ये संबंध पाया जाता है ठीक है बच्चों समझ में आया तो यहां पर यह है कि यह है प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्ररूपी रूढ़ीकरण है जिसे हम कहते हैं सैटेरिस पेरिबस की मान्यता कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे तो आपको याद रखना है कि सैटेरिस पेरिबस क्या है सेटेरिस पारिबस का अर्थ होता है अन्य बातें समान रहे अर्थात अर्थव्यवस्था में यदि परिवर्तों की मूल्यों को ज्ञात किया जाता है तो कुछ बातों को पहले से ही मान लिया जाता है अजम कर लिया जाता है जिसे कि हम सेटेरिस पारिबस अर्थात अन्य बातें समान रहे भी कहते They him. ठीक है बच्चों समझ में आ गया इसके बाद है कि जैसे उदाहरण दे रखा है कि दो समीकरण है इसमें दो परिवर्तन x और y का मूल्य निकालने के लिए हम प्रथम जो समीकरण है उसमें x का मूल्य y के पदों में लिखते हैं और इस मूल्य को दूसरे समीकरण में क्या कर देते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें पूर्ण हल प्राप्त हो जाता है जैसे कि दो परिवर्तन दे रखे हैं एक्स और वाई ठीक है तो हम क्या करेंगे जो एक्स और वाई के हमें दोनों के परिवर्तों के मूल्य याद करनी है तो वाई की जगह हम क्या कर देंगे एक्स का मान लिख देंगे तो एक्स का मान और एक्स का मान दोनों का मान हमें ज्ञात होगा तो हम इस तरीके से दोनों परिवर्त को ज्ञात कर सकते हैं मतलब एक समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके हम आसानी से जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं ठीक है बच्चों समझ में आया जैसे कि सिंपल सा है जैसे कि आपको दे रखा है एक्स बराबर थ्री वाई दे रखा है तो आपके पास यदि वाई का मान दे रखा है थ्री ठीक है तो आप थ्री को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो एक्स का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी नाइन आ जाएगी तो हम इस तरीके से समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे का मान भी ज्ञात कर सकते हैं आगे बच्चों समझ में इसके बाद आता है समग्र मांग और इसके अवयव जैसा कि हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि हम यहाँ पर आय और, और रोजगार का निर्धारण करेंगे आय और रोजगार का निर्धारण जो कि की कीन्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमने बताया भी था कि कीन्स की जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी उसमें इसने आय व रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत दिया था और उसने बताया था कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा हम आय और रोजगार के निर्धारण करते हैं जैसा कि आपने समस्ती अर्थशास्त्र का पहला लेसन पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि पहले केवल व्यस्टी अर्थशास्त्र चलता था और हस्तक्षेप की नीति पाई जाती थी ये बत, बात की थी हमने कि अर्थव्यवस्था में जो आ, कोई भी जो दूसरा अवयव है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता था अर्थव्यवस्था में अपने आप संतुलन स्थापित हो जाता था हम ये कह है सकते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती थी जैसा कि जेबी बी भी कहा था लेकिन जब ये आर्थिक मंदी आई उन्नीस की मंदी उसके बाद ये सारे सिद्धांत फेल हो गए तब आए हमारे जेएम किंग्स मुख्य अर्थशास्त्री और उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में आए वे रोजगार का सिद्धांत दिया तब उन्होंने बात की कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कभी भी नहीं पाया जा सकता इसमें सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है और सरकार क्या कर सकती है समग्र मांग को बढ़ा सकती है यदि सरकार क्या करेगी समग्र मांग समग्र मांग का द होता है कि देश में होने वाली कुल मांग तो उसको यदि बढ़ाया जाएगा तो उसकी पूर्ति के लिए उत्पादन क्या होगा बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा रोजगार का स्तर बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा तो आय भी क्या होगी बढ़ेगी अर्थात एक चीज बढ़ाने से सारी चीजें अर्थव्यवस्था में सही होती चली जाएगी और मंदी की स्थिति दूर हो जाएगी और ऐसा हुआ भी तो जो हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं समग्र मांग तो बच्चों इसको आप ध्यान से बढ़ेंगे तो आपको समग्र मांग पहले हम ध्यान से बढ़ेंगे क्या होता है उसके बाद हम समग्र पूर्ति पढ़ेंगे और समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा किस प्रकार से देश में आय और रोजगार का निर्धारण होता है है, वो हम जानेंगे तो शुरू करते हैं हम समग्र मांग के बारे में कि एग्रीकेट डिमांड बोलते हैं इसको जिसे हम एडी से भी डिनोट करते हैं तो एग्रीकेट डिमांड क्या होती है और भी ये किन मांग से मिलकर बनती है मतलब इसमें कौन कौन सी मांग शामिल होती है ठीक है कन के अर्थ में किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से उपभोग निवेश अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्गत सकल घरेलू उत्पाद का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है जैसा कि हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि हर एक लेसन का एक अपनी अपनी वैल्यू है और हर एक लेसन दूसरे लेसन के लिए अध्ययन में क्या आता है काम आता है जैसे कि अभी आप फोर्थ लेसन पढ़ रहे हैं अभी फोर्थ लेसन की जो एग्रीकेट डिमांड की जो सारी चीजें हैं एग्रीकेट सप्लाई आएगा उससे आयवर

ठीक है तो यहां पर यही है कि एक दिए हुए वर्ष में एक वर्ष में होता है एक वित्तीय वर्ष में इसकी गणना की जाती है जो कि एक अप्रैल से इकतीस मार्च का होता है और राष्ट्रीय क्या होती है एक प्रवाह होती है याद होगा यदि आपने सेकंड लेसन अच्छे से पढ़ा है तो उत्पादन गतिविधियों की माप करने से उपभोग निवेश और अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल निर्गत हमें ज्ञात हो जाता है उपभोग भी होता है निवेश भी होता है और साथ में हमें यह भी ज्ञात होता है कि अंतिम वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन हो रहा है ठीक है उसका वास्तविक मूल्य हमें यहाँ प्राप्त होता है कौन सा मूल्य वास्तविक जिसे कि हम पूरी गणना करके ज्ञात करते हैं इन जो ये जो वास्तविक होता है अथवा लेखांकन मूल्य हो इसको हम कहते हैं यथार्थ माप क्या कहते हैं है? यथार्थ जो भी हमने ज्ञात किया है वास्तविक मूल्य लेखांकन के लिए जिसे कि हमने पूरे फॉर्मुलेज लगा कर वैल्यू एडिट लगा कर जिस तरीके से भी ज्ञात किया है तो ये जो हमें प्राप्त होता है मतलब जो वास्तव में है यथार्थ है वो हमें ज्ञात होता है यथार्थ माप ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है तथापि इन पदों का प्रयोग भिन्न अर्थों में भी किया जा सकता है उपभोग से यह पता नहीं चल सकता कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया बल्कि उस अवधि में उन्होंने उपभोग की कितनी मात्रा की योजना बनाई अब हमने उपभोग ज्ञात कर लिया ठीक है अब हमें ये तो ज्ञात हो गया कि अर्थव्यवस्था में इतना उपभोग है ठीक है लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि लोगों ने कितने उपभोग की क्या बनाई थी योजना बनाई थी इतना कह सकते हैं कि नियोजित उपभोग कितना था ये कि हमें यहाँ पर वास्तविक जो माप ज्ञात की है उससे हमें ज्ञात नहीं होता है ठीक है इसी तरह निवेश को देख लो निवेश का अर्थ हो सकता है कि उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है और यह मात्रा उस मात्रा से क्या हो सकती है बिन हमने निवेश ज्ञात कर लिया लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो अर्थ जो भी फर्म है अर्थात जो भी उत्पादक है उन्होंने निवेश की कितनी योजना बनाई थी और वास्तव में कितनी योजना प्राप्त हो रही है कहने का तात्पर्य यह है एक तो वो होता है जिसे कि जिसकी हम योजना बनाते हैं और एक ये होता है जिस जो कि हमें रियल में प्राप्त होता है जो हम जिसकी हम योजना बनाते हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो होता है प्रत्याशित कि हमने सोचा कि इतनी हमारा निवेश होगा और इतना हमारा देश में उपभोग होगा ठीक है और जब हम पूरा हमारा ईयर निकल जाता है तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly, रियल में कितना आता है उपभोग कितना आता है और कितना निवेश आता है तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है अंतर हो सकता है क्या पता हमने उपभोग अधिक करने की योजना बनाई हो अधिक हमारा प्रत्याशित हो लेकिन उपभोग वास्तव में क्या हुआ हो कम हुआ हो तो प्रत्याशित उपभोग और जो वास्तविक उपभोग है उन दोनों में और प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश इन दोनों में अंतर होता है आ रहा है बच्चों समझ में यहाँ पर यही है कि जितना कि वह उत्पादन अंतिम रूप से कर पाती मतलब जो उस मात्रा से हम भिन्न हो सकता है वो निवेश जो कि वास्तव में हमें प्राप्त हुआ है उपभोग निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्यों को उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं उपभोग भी निवेश भी और जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसकी जो योजना बनाई गई है कि इतना होगा अर्थव्यवस्था में उसे हम कहते हैं प्रत्याशित माप और जो वास्तव में प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक माप ठीक है सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ क्या होता है नियोजित तथा यथार्थ से अभिप्राय है वास्तव यहाँ पर यही है कि प्रत्याशित का अर्थ तो है नियोजित कि हमने इतना एक्सपेक्ट किया था ठीक है लेकिन जो यथार्थ है उससे उसका तात्पर्य है वास्तव में जो प्राप्त हुआ है ठीक है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी हम योजना बनाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इतना हमें प्राप्त होगा ठीक है जो कि प्रत्याशित है वो तो होगा प्रत्याशित निवेश उपभोग या उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और जो हमें लेखांकन किया हमने पूरी गणना की उसके बाद हमें रियल में जो प्राप्त हुआ वो होता है वास्तविक ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से एक तो यथार्थ माप होती है और एक प्रत्याशित माप होती है ठीक है इसके बाद आता है उपभोग कंज़प्शन कंज़प्शन क्या है उपभोग क्या है जब हमने व्यस्टी अर्थशास्त्र में सेकंड लेसन पढ़ा था उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत तब हमने उपभोग की बहुत बात की थी कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक है वो क्या करता है वस्तुओं का उत्पादन करता है और वह यह चाहता है कि अपने लाभ को अधिकतम करे और वस्तुओं को कम से कम लागत में उत्पादित करे और उपभोक्ता क्या चाहता है कि वो कम से कम कीमत देकर वस्तुओं को खरीदे और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करे तो उपभोक्ता क्या करता है उपभोग करता है उपभोक्ता का काम क्या होता है वस्तु और सेवाओं को काम में लेना ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करे तो उसे ही हम क्या कहते हैं उपभोग कहते हैं अब जो हम समग्र मांग यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो समग्र मांग समग्र मांग का अर्थ क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग कैसे होगी अर्थव्यवस्था में कुल मांग किन सब चीजों से मिलकर बनी है तो जो पहला जो तत्व आता है उसका वो आता है उपभोग उपभोग मांग भी हम इसे कहते कह सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो भी उपभोक्ता होते हैं उन्हें अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या चाहिए वस्तुएं चाहिए ताकि कि वो उनका उपभोग करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करें अब वस्तुओं का उपभोग करने के लिए वो क्या करते हैं मांग करते हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं उपभोग मांग और ये समग्र मांग का एक अवयव है समझ में आया तो समग्र मांग का एक अवयव पहला अवयव कौन सा हो गया उपभोग मांग समग्र मांग किस पर निर्भर करेगी उपभोग मांग आगे बच्चों समझ में यहां पर यह है कि उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण है घरेलू आय अब समग्र मांग का जो अवयव है वो है उपभोग मांग अर्थात कि जो अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग है उसमें जो मांगी जाने वाली मात्रा है एक तो उपभोग के लिए लोग मांग करेंगे कोई भी वस्तु की मांग करते हैं तो उपभोग के लिए करेंगे अब उपभोग मांग किस पर निर्भर करती है आय पर यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक होगी तो वो अधिक उपभोग करेगा इसलिए अधिक मांग भी करेगा और यदि किसी आय वस्तु व्यक्ति की आय कम होगी तो वो क्या करेगा कम उपभोग करेगा तो इसलिए उसकी मांग भी क्या होगी उपभोग मांग कम होगी तो उपभोग को क्या प्रभावित करता है आय प्रभावित करती है हम कह सकते हैं कि सी इज द फंक्शन ठीक है कि कंजप्शन किस पर निर्भर करता है जो व्यक्ति है उसकी आय पर घरेलू आय पर और आय भी कौन सी हमने पढ़ा था किसमें सेकंड लेसन में, में कि एक तो होती है व्यक्ति की निजी आय और एक होती है डिस्पोजेबल इनकम प्रयोज्याय तो प्रयोज्याय वो होती है जो कि सच में व्यक्ति को मिलती है ताकि कि वो उसको क्या कर सके उपभोग के लिए काम में ले सकें या बचत कर सके ठीक है व्यक्ति को जो भी आय प्राप्त कर होती है वो या तो क्या कर लेता है उसका उपभोग करेगा और सेवाएं खरीद लेगा या फिर क्या कर लेगा उस आय को बचा लेगा दो ही वो काम में ले सकता है या तो वो उपभोग करेगा या फिर वो बचत करेगा हम ये कह सकते हैं व्यक्ति की जो आय है उसमें दो चीज़ होती है एक तो होता है या तो वो उपभोग कर ले कंजप्शन कर ले या फिर वो क्या कर ले सेविंग्स बचत कर ले ठीक है या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या करेगा या तो उपभोग करेगा या उस सेविंग्स का क्या कर सकता है दूसरे जो उत्पादक फर्म है उनको दे सकता है और वो उसका क्या करेंगे निवेश करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक है बचत को जो उसने अपने बैंक में डाल दिया व्यक्ति ने और वो बचत क्या हो जाती है फिर निवेश का पार्ट बन जाती है वो यदि अपने पास रहती है खुद के पास यदि वो अपने लॉकर में रखता है तो वो बचत बचत ही रहती है तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो आय है वो दो प्रकार से काम में ली जा सकती है उपभोग के रूप में या बचत के रूप में या फिर यदि उसने बचत को लगा दिया है निवेश के लिए तो उपभोग के रूप में और निवेश के रूप में समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पर हम व्यक्ति की आय की बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उपभोग के लिए की जो मांगे वो आय पर निर्भर करती है सी इज द फंक्शन ऑफ वाई और वाई भी कौन सी है प्रयोज्य प्रयोज्याय यहाँ पर हम वाई डी लिख देते हैं वाई डी का मतलब हो गया प्रयोज्य प्रयोज्याय क्योंकि प्रयोज्य आय वो आती वो आय होती है जो कि व्यक्ति को सच में खर्च करने के लिए मिलती है क्योंकि व्यक्तिगत जो आय होती है उसमें से सरकार के द्वारा जुर्माने शुल्क और टैक्स ले लिए जाते हैं वो व्यक्ति के काम में नहीं आती है आगे बच्चों समझ में तो यहां पर आ गया वाई ठीक है एक उपभोग फलन आय और एक उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है जो उपभोग फलन है जो ये बन, हमने लिखा है सी इज द फंक्शन ऑफ वाई ये हो गया हमारा उपभोग फलन उपभोग फलन क्या बताता है आय में और उपभोग में संबंध को दर्शाता है कि यदि आय अधिक होती है तो उपभोग भी अधिक होता है आय कम होती है तो उपभोग भी कम होता है अर्थात तो उपभोग में और आय में धनात्मक संबंध होता है आगे बच्चों समझ में इसके बाद है सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है जो सरल यहां पर लिख रखा है जो सरलतम उपभोग फलन है वो यही कहता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती चली जाएगी उपभोग में भी क्या होती चली जाएगी एक स्थिर दर से वृद्धि होती चली जाएगी मतलब जैसे माना कि आय दो गुना बढ़ गई तो उपभोग भी दो गुना बढ़ गया मतलब और यदि आय चार गुना बढ़ गई तो उपभोग भी चार गुना बढ़ गया कहने का तात्पर्य यह है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ तो उपभोग भी परिवर्तित होता रहता है स्थिर दर से ठीक है यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ ना कुछ उपभोग तो होगा ये तो आप भी जानते हैं कि यदि व्यक्ति को कुछ भी आय प्राप्त नहीं हो रही हो तो चाहे वो अपनी पुरानी आय में से क्या करें उपभोग करे या फिर वो उधार लेकर उपभोग करे लेकिन वो उपभोग तो करेगा क्योंकि व्यक्ति की कुछ जरूरती आवश्यकताएं होती हैं अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिसका कि पूरा होना बहुत अधिक जरूरी है उसके लिए व्यक्ति का कुछ ना कुछ उपभोग तो रहेगा तो कहने का तात्पर्य यदि आय शून्य भी हो जाए तब भी व्यक्ति कुछ ना कुछ उपभोग करेगा और ऐसे उपभोग को हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग ठीक है बच्चों यहाँ पर याद रखना है आपको क्योंकि यह उपभोग की मात्रा आय से स्वतंत्र है इसलिए स्वतंत्र उपभोग या स्वायत्त उपभोग इसे कहा जाता है उपभोग की वह मात्रा जो कि आय से स्वतंत्र होती है उसे हम कहते हैं स्वतंत्र उपभोग या स्वायत्त उपभोग समझ में आ रहा है जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा जीरो एक्स और ये वाई यह हमारा एक्स अक्ष है और यह हमारा वाई अक्ष है हम यहाँ उपभोग फलन को दर्शा रहे हैं और हम यहाँ आय को दर्शा रहे हैं तो जो आय से स्वतंत्र होता है अर्थात आय शून्य है फिर भी ये उपभोग हो रहा है ठीक है इसे हम कहेंगे स्वायत्त उपभोग स्वायत्त उपभोग के लिए हमने सी के ऊपर कॉन्स्टेंट का मार्क लगा दिया इसका मतलब सी स्थिर है आ रहे बच्चों समझ में कि यहां पर ये उपभोग तो होगा ही होगा चाहे आय कितनी हो शून्य हो तो वह उपभोग जो कि आय से स्वतंत्र होता है जो आय से प्रभावित नहीं होता आय के शून्य होने पर भी क्या होता है वह उपभोग होगा ही होगा तो ऐसे उपभोग को हम स्वतंत्र उपभोग या स्वायत्त उपभोग कहते हैं और इसे हम सी के ऊपर जो कॉन्स्टेंट मार्क है उससे डिनोट करते हैं आगे बच्चों समझ में तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद भी रखना है यहाँ सी घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है जो सी है वो तो हम बात कर रहे हैं उपभोग व्यय या उपभोग मांग की जो भी घरेलू क्षेत्र द्वारा की जाती है अब ये ये भी दो तत्वों पर निर्भर करती है उपभोग मांग में कितने तत्वों पर निर्भर करती है दो तत्वों पे दो अवयवों से ये मिलकर बनी है ये दो अवयवों से मिलकर बना है पहला होता है स्वतंत्र उपभोग जिसे हम सी के ऊपर कॉन्स्टेंट का मार्क लगाकर दिखाया हुआ है जो कि आय से स्वतंत्र होती है आय के शून्य होने पर भी यह उपभोग अवश्य होता है और जो दूसरा उपभोग होता है वो होता है प्रेरित उपभोग जो कि आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है आय के घटने के साथ साथ घटता चला जाता है जो कि आय पर निर्भर करता है जिसे कि यहाँ पर वाई के द्वारा दिखाया गया है आगे बच्चों समझ में तथा दूसरा होता है प्रेरित उपभोग एक तो होता है स्वतंत्र उपभोग और एक होता है प्रेरित उपभोग स्वतंत्र उपभोग आय से स्वतंत्र होता है जबकि प्रेरित उपभोग आय से प्रभावित होता है आगे बच्चों समझ में या सी yes, uh, को कांस्टेंट करके और प्लस सी वाई ये कौन सा दिखाया है प्रेरित उपभोग अब हम यहाँ पर हमने कांस्टेंट सी जो हमारा स्वायत्त उपभोग है तो उपभोग वक्र कभी भी शून्य से शुरू नहीं होगा कहाँ से शुरू होगा ये कांस्टेंट जो सी है अर्थात स्वायत्त उपभोग कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ से शुरू होगा और जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाती है क्या होता चला जाता है उपभोग भी बढ़ता चला जाता है जो कि धनात्मक ढालका होता है और यहां पर दिखाया गया है तो ये जो हमारा बना है ये हमारा बना है उपभोग वक्र ठीक है बच्चों जिसमें ये हमारा जो दिखा रहा है स्वायत्त तो उपभोग को दिखा रहा है और ये जो बना है ये दिखा रहा है प्रेरित उपभोग को अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होती चली जाती है उपभोग में भी वृद्धि होती चली जाती है आगे बच्चों समझ में यहाँ पर यह भी है कि स्वतंत्र उपभोग आय से स्वतंत्र है यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग हो रहा है तो ये स्वतंत्र उपभोग के कारण है आय के शून्य होने पर भी क्या हो रहा है उपभोग हो रहा है इसका मतलब ये क्या है स्वतंत्र उपभोग है उपभोग का प्रेरित अवयव सी वाय उपभोग की आय पर निर्भरता को दर्शाता है यदि मैं आय में एक रुपए की वृद्धि हो तो प्रेरित उपभोग में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की वृद्धि होगी अब एक नया वर्ड यहां पर आया है वो आया है एम पी सी सीमांत तो उपभोग प्रवृति जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू तो कंज्यूम याद रखना है आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू तो कंज्यूम (MPC) क्या होती है अब जैसे जो आय में परिवर्तन हो रहा है वैसे क्या हो रहा है उपभोग में भी परिवर्तन हो रहा है ठीक है जो कि प्रेरित तो उपभोग को दर्शाता है तो आय में कितना परिवर्तन हो रहा है जिसके फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शान दर्शाती है क्या एमपीसी क्या दर्शाती है एम पी उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात जो आय में परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन होगा उसको दर्शाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ठीक है यहाँ पर लिखा भी है कि यदि मैं आय में एक रुपए की वृद्धि हुई तो प्रेरित उपभोग में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की वृद्धि होगी मतलब कितनी वृद्धि हो रही है वो उसको दर्शाएगी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इसे में आय में परिवर्तन होने पर उपयोग में परिवर्तन की दर के रूप में समझाया जा सकता है इसे हम कह सकते हैं कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन जिसे हम एम को हम सी से भी लिखेंगे अब हम कभी भी जब एम का यूज करेंगे तो हम एम ना लिखकर सी को भी हम लिख सकते हैं और सी दर्शाता है उपभोग की सीमान प्रवृत्ति को ठीक है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आपको समझना है कि ये जो सी वाई है सी वाई है इसमें है वाई तो क्या है आय जिस पर कि उपभोग निर्भर करता है और सी यहाँ पर है उपभोग की सीमान प्रवृत्ति जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें वाय तो है प्रयोजय आय भी कौन सी है प्रयोजय अभी हम आगे देखेंगे और सी है उपभोग की सीमान प्रवृत्ति अर्थात आय के बढ़ने पर उपभोग भी क्या होता है बढ़ता है आय के घटने पर उपभोग भी घटता है और ये किस पर निर्भर करता है उपभोग की सीमान प्रवृत्ति पर आगे बच्चों समझ में यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कितनी है उसके अनुसार ही क्या होगा आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में परिवर्तन होगा मान लिया कि यदि उपभोग आय में परिवर्तन सौ रुपए का हुआ है ठीक है और जिसके फलस्वरूप जो उपभोग है उसमें परिवर्तन कितने का हुआ है अस्सी में तो सीमांत तो उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी जीरो ये होती है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग तो सी में होने वाला परिवर्तन कभी भी आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो आय में परिवर्तन मान लिया एक हो गया तो उपभोग में परिवर्तन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा कहने का मतलब है जितना आय में परिवर्तन होता है उपभोग में या तो उतना ही परिवर्तन होगा या फिर आय में जितना परिवर्तन हुआ है उपभोग में कुछ भी परिवर्तन ना हो या फिर जो आय में परिवर्तन हुआ है उपभोग में क्या हो उससे कम परिवर्तन हो जाए लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आय में जितना परिवर्तन हुआ है उपभोग में उससे ज्यादा परिवर्तन हो Yup. ठीक है यहाँ पर यह है कि उपभोग में होने वाला परिवर्तन कभी भी आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता है सी का अधिकतम मान एक हो सकता है दूसरी और हो सकता है कि आय में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता अपने उपभोक्ता में परिवर्तन उपभोग में परिवर्तन ना करे तब हमारे इस, इस स्थिति में एम का मान क्या होगा जीरो समझ में आ रहा है कि यदि आय में जितना परिवर्तन हुआ है तो उपभोग में भी, भी उतना ही परिवर्तन हो तो एम कितनी होगी एक इसको हम देख लेते हैं कि आय में यदि सौ का परिवर्तन हुआ है तो उपभोग में सौ का परिवर्तन हुआ है मतलब तो दोनों में समान परिवर्तन हुआ है तो एमपीसी कितनी हो गई एक हो गई ठीक है और हमने ये तो बताया कि यदि आय में सौ का परिवर्तन हुआ है तो उपभोग में एक का परिवर्तन हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता अब यदि हम मान ले कि आय में सौ का परिवर्तन हुआ लेकिन उपभोग में कुछ ही परिवर्तन नहीं हो रहा उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो ऐसे में एम क्या होगी जीरो होगी तो दो ही कंडीशन हो सकती है जिसके बीच में एम का मान होगा ठीक है या तो आय में जितना परिवर्तन हो भोग में उतना ही परिवर्तन हो या तो आय में जितना परिवर्तन हो भोग में कुछ भी परिवर्तन न हो तो एम का जो मान है वो एक और जीरो के क्या होता है बीच में होता है जो तीसरी चीज है वो ये है कि आय में यदि सौ का परिवर्तन हुआ तो उपभोग में क्या हुआ कम परिवर्तन हुआ आय से आय से कम परिवर्तन हुआ तो एम क्या हो गई जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट एक और जी, जीरो क्या क्या है बीच में है ना कहने का तात्पर्य है कि एम पी सी की सीमांत प्रवृत्ति या तो जीरो होगी या एक होगी या इन दोनों के बीच में होगी कभी भी जो एम पी सी है वो जीरो से कम मतलब माइनस में नहीं हो सकती और एम पी सी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती आगे बच्चों में जीरो और एक के बीच में ही एम होगी ठीक है यहाँ पर यह है कि सामान्यतः एम का मान जीरो तथा एक के बीच में होता है जीरो तथा एक को मिलाकर इसका अर्थ हुआ कि आय में वृद्धि होने पर या तो उपभोक्ता उपभोग में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करेगा तो क्या होगी एम पी जीरो होगी या आय में होने वाली सारी वृद्धि को उपभोग पर खर्च कर देगा तो क्या होगा एम पी सी होगी मतलब जितना आय में परिवर्तन हुआ उतना ही उपभोग में परिवर्तन होगा या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी आय में परिवर्तन के एक भाग से उपभोग में परिवर्तन करेगा तो इसीलिए जीरो से तो क्या होती है एमपीसी अधिक होती है और एक से क्या होती है कम होती है यहां पर यही लिखा हुआ है जीरो से तो अधिक होती है एम से कम होती है ठीक है बच्चों समझ में आ गया आप हम इसको इस तरीके से लिखेंगे इसके बाद आता है कि यदि उपभोग फलन सी बराबर जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव है उपभोग फलन क्या है सो प्लस जीरो पॉइंट एट ठीक है तो स्वतंत्र उपभोग यहाँ पर हो गया सौ कितना हो गया स्वतंत्र उपभोग सौ यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा था सी ये हमारा फॉर्मूला हमने बनाया था ठीक है यहां पर जो c है वो कितना है 100 स्वतंत्र उपभोग कितना है 100 हो गया प्लस जो 0.8 ये हमारी बता रही है उपभोग की सीमान प्रवृत्ति को ठीक है इसके बाद हमारे यहां पर दे रखी आय 100 की आय होती है, तो में 80 की क्या होती है वृद्धि जीरो पॉइंट एट जो सीमांत प्रवृत्ति है वो इस किसको दिखा रही है एम पी सी जीरो पॉइंट एट है वो ये दिखा रही है कि यदि सौ रुपए की वृद्धि होती है किसमें आय में तो अस्सी रुपए का उपभोग में परिवर्तन होता है ठीक है तो इसीलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है जीरो पॉइंट एट जो कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में दिखाई हुई है तो आपको इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ होता है तो आपको पहचानना है कि 100 क्या होगा तो C होगा उपभोग उपभोग और अर्थात की सीमांत प्रवृत्ति होगी बचते आय का वह भाग है जो भोग नहीं किया जाता अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं एस बराबर वाई माइनस सी जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि एक व्यक्ति की जो आय है या तो उसका कंज्यूम कर लिया जाता है या उसकी क्या कर ली जाती है बचत कर ली जाती है यदि किसी व्यक्ति को आय प्राप्त होगी तो या तो वो भोग करेगा या फिर उस आय को बचा लेगा तो इस प्रकार से आय दो तो पार्ट से बनी है सी और एस यदि हमें बचत क्या करनी है कि एक व्यक्ति कितनी बचत करता है एस बचत कितनी करता है तो हम वाई में से सी को माइनस कर देंगे अर्थात जो व्यक्ति की आय है उसमें से कितना उपभोग कर लिया उसको हम माइनस करेंगे तो हमारी बचत आ जाएगी जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरी इनकम सौ रुपए है ठीक है सौ रुपए में से मैं अस्सी रुपए मेरे उपभोग पर खर्च कर देती हूँ तो सौ रुपए में से अस्सी रुपए को यदि हम माइनस कर देंगे तो कितने बचे बीस रुपए तो बीस रुपए क्या होगी मेरी बचत की होगी कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति या तो उपभोग करेगा या बचत करेगा यदि व्यक्ति अधिक उपभोग कर रहा है तो कम बचत कर पाएगा यदि व्यक्ति कम उपभोग कर रहा है तो अधिक बचत कर पाएगा आगे बच्चों समझ में तो आय को वो दो ही काम में ले सकता है तो सेविंग्स करने के लिए हम क्या करेंगे आय में से जो उपभोग है उसको हम माइनस कर देंगे ठीक है बच्चों इसके बाद जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है एम अभी हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या पढ़ी थी कंज्यूम इसी प्रकार से सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है जैसा कि हमने उपभोग प्रवृत्ति पढ़ी थी वैसे ही बचत प्रवृत्ति होती है ठीक है इसको हम कहेंगे मार्जिनल Propensity to save, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था कि कि क्या थी उपभोग आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन ठीक है क्योंकि दोनों ही चीजें किस पर निर्भर करती है आय पर निर्भर करती है अतः आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा आय में परिवर्तन होने से बचत में, हो तो में, में कितना परिवर्तन होगा तो आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो गई आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप बचत में कितना परिवर्तन हो गया तो ये सीमांत बचत प्रवृत्ति हो गई ठीक है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो आय में वृद्धि होने पर बचत में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित की जा सकती है तो वैसे ही जैसे हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला लिखा था वैसे ही लिखेंगे एमपीएस क्या होगी डेल्टा एस बटी में डेल्टा वाई अर्थात आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन जैसे हमने उसको सी से इंगित किया था हम इसको एस से इंगित कर सकते हैं ठीक है बच्चों समझ में आ गया अब हमने जैसा कि देखा सेविंग्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं वाई में से सी को घटा देते हैं अर्थात आय में से हम उपभोग को घटा देते हैं एस बराबर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा वाई माइनस सी ठीक है इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा वाई कि जो वाई है उसमें से हम सी को माइनस कर देते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जो एस है उसकी जगह हमने डेल्टा वाई माइनस सी क्योंकि एस का फॉर्मूला यही हो गया ना हम यहाँ पर वही प्रतिस्थापित करके कर रहे हैं कि हमने जो ये समीकरण है एस बराबर डेल्टा वाई माइनस सी है इसको हमने डेल्टा एस की जगह प्रतिस्थापित कर दिया डेल्टा वाई माइनस सी हो गया और नीचे डेल्टा वाई हो गया अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई बटे में डेल्टा वाई डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई आ बच्चों समझ में डेल्टा वाई बटे में डेल्टा वाई यदि हम देखेंगे तो क्या होगा वन और यदि हम डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई जैसे कि हम क्या करते हैं की सीमान प्रवृत्ति भी कहते हैं जिसे हम सी से डिनोट करते हैं तो ये क्या हो गया वन माइनस सी समझ में आ रहा है तो कहने का तात्पर्य जो एस क्या होगा वन माइनस सी एस बराबर क्या हो गया यहां पर वन माइनस सी एस बराबर एस यहां पर क्या है एम पी एस कहने का तात्पर्य है कि जो एम है वो वन माइनस एम होती है एक में से यदि हमने सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति है वो उसको घटा दिया तो हमें एम ज्ञात हो जाएगी जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि जीरो क्या है हमारी एम है तो यदि हम इसमें से वन में से जीरो को माइनस कर देते हैं तो क्या जाती है जीरो तो ये हमारी आ गई एम समझ में आ गया तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एम है और एम पी एस है दोनों का मान बराबर क्या होगा एक होगा 0.8, 0.2, दोनों को हम माइनस प्लस कर देंगे 0.8 और 0.2, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या होगा एक तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एम और एम दोनों को यदि टोटल कर ले तो एक मान आएगा एम ज्ञात करने के लिए हम वन में से एम को माइनस कर देते हैं इसी प्रकार से यदि हमें एम ज्ञात करनी है तो हम वन में से एम माइनस कर देंगे आगे बच्चों समझ में तो इस प्रकार से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है ठीक है यहाँ पर इसी तरीके से आपको फार्मूला भी दे रखा है जिसके हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई बराबर एस दे दिया एस बराबर वाई माइनस सी दे दिया और इसी तरीके से हम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं तो हमारा फॉर्मूला आएगा वन माइनस एस एम पी सी बराबर वन माइनस एम पी एस आगे बच्चों समझ में इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे अब यहाँ पर आपको जो सारी जो हमने प्रवृत्ति तो याद की है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है तो आपको ये परिभाषाएं हैं जो कि याद रखनी है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या, क्या होती है और बचत की औसत प्रवृत्ति क्या होती है तो हम इसकी परिभाषाएं यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आता है उपभोग की सीमान प्रवृत्ति ये क्या होती है यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन है इसे C से संकेतित किया जाता है और डेल्टा C बटे डेल्टा Y के बराबर होती है हमने भी पढ़ा ना उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन को ये बताती है जिसे हम डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई के हिसाब से लिखते हैं और आप चाहे तो उसका उदाहरण भी लिख सकते हैं कि यदि सौ आय में परिवर्तन होता है और उपभोग में अस्सी का परिवर्तन होता है तो हमारी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जीरो आएगी आगे बच्चों समझ में जरूरी नहीं है आप जीरो पॉइंट एट का दो आई में सौ का परिवर्तन यदि उपभोग में साठ का परिवर्तन है तो हमारी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जीरो पॉइंट सिक्स आएगी तो इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और ऐसी आपको परिभाषा लिखनी है इसके को हम ब्रैकेट में एम पी सी इस तरीके से लिखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग जैसे हमने इसकी परिभाषा लिखी वैसे ही इसकी लिखेंगे लगभग कि आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन आय में परिवर्तन के फलस्वरूप जो बचत में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं एमपीएस बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं जिसे हम एस से इंगित करते हैं ठीक है इसे एस से संकेतित किया जाता है और वन माइनस सी के बराबर होता है इसका निहितार्थ है एस प्लस सी बराबर सी के बराबर होता है अभी हमने निकाला था ना एम पी एस बराबर वन माइनस सी के बराबर ये होता है और इसे हम ये भी लिख सकते हैं एस प्लस सी बराबर भी क्या होगा एक सी प्लस एस दोनों का मान क्या होगा एक के बराबर होगा सी प्लस एस क्या होती है आई के बराबर होती है ठीक है बच्चों समझ में आ गया इसके बाद आती है औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम ए पी सी कहते हैं जैसे हम वैष्ट अर्थशास्त्र में औसत की सीमांत की अवधारणा पढ़ते थे ना वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है यह प्रति आय इकाई उपभोग है, है। अर्थात जितनी आय है और जितना उपभोग है हम दोनों को भाग लगा देते हैं अर्थात सी बटे में वाई कर देते हैं ठीक है तो उसे हम ये देखते हैं कि प्रति इकाई उपभोग कितना हो रहा है उसे हम कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति ए पी सी सी बटे में वाई सी क्या दिखाता है उपभोग को और वाई किसको दिखाता है आय को तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं उपभोग की औसत प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं ए पी सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ठीक है A, P, C, Consume, इसके बाद औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे ज्ञात करते हैं ये भी प्रति आय क्या है इकाई बचत है अर्थात एस बटे में भाई यहाँ पर हमने क्या किया फॉर्मूले में डेल्टा हटा दिया बाकी हमारा फॉर्मूला वैसे के वैसे है इसमें एस में हम भाई वाई का भाग लगाते थे मतलब जितनी सेविंग्स से है उसमें हम वाई का भाग लगा देंगे तो इस प्रकार से हम प्रति इकाई बचत ज्ञात कर सकते हैं तो ये चार जो चारों परिभाषा हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति आपको अच्छे से याद होनी चाहिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट भी करनी है और जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो भी आपको लिखना है ताकि कि आप चीज़ को को कर पाए और सब समझ भी पाए ठीक है बच्चों इसके बाद आता है प्रत्याशित निवेश इन्वेस्टमेंट अभी हमने किसकी बात की थी उपभोग की उपभोग की बात की थी ना उपभोग क्या होता है समग्र मांग का अवयव होता है जो दूसरा अवयव होता है समग्र मांग का वो होता है निवेश जो हम समग्र मांग की यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की जिसमें पहला जो अवयव है वो समग्र मांग समग्र मांग जैसे कि हमने पढ़ा कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है अभी हमने बात की ना कि समग्र मांग है समग्र मांग दो चीजों से मिलकर बना है एक तो उपभोग हो गया और दूसरा क्या है निवेश अब उपभोग की हम बात कर चुके हैं जिसमें स्वायत्त जो उपभोग है वो भी आता है और प्रेरित उपभोग दोनों आता है उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव करके देख लिया डायग्राम की सहायता से समझ भी लिया कि उपभोग वक्र किस प्रकार का होता है ठीक है अब जो दूसरी जो चीज है वो आती है समग्र मांग में अव्य वो आता है निवेश ठीक है क्योंकि जो मांग है या तो उपभोग के लिए की जाएगी या फिर निवेश के लिए मांग की जाएगी अर्थव्यवस्था में और ये समग्र मांग को दर्शाती है तो इस प्रत्याशित निवेश क्या होता है निवेश का जैसा कि हम अर्थ समझ चुके हैं पहले हमने सेकंड लेसन में भी देखा है कि निवेश क्या होता है कि किसी भी चीज़ में जैसे पूंजीगत सामान में या आधारभूत संरचनाओं में क्या होता है परिसंपत्ति खरीदना इस तरीके से लगा देना ताकि कि उसे भविष्य में हमें क्या हो परिणाम प्राप्त हो तो ये क्या होता है निवेश होता है जिससे कि हमारा भविष्य मजबूत होता चला जाता है हमने यही बात की थी यहाँ पर यह है निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक जैसे कि मशीन में भवन में सड़क में इत्यादि अर्थात ऐसी कोई भी चीज जिनसे भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में क्या हो वृद्धि हो में वृद्धि और उत्पादक की माल सूची तैयार माल सूची का स्टॉक में परिवर्तन के रूप में परिभा किया जाता है, ठीक है? माल सूची जैसा कि खरीद रहा है, तो इससे उसकी माल है उसका स्टॉक क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है तो वो भी क्या हो गया निवेश होगा क्योंकि भविष्य में वो उसको उत्पादन करके देगा उसकी उत्पादन क्षमता में क्या होगा सुधार होगा तो ऐसी सब चीजों में निवेश अर्थात ऐसी क्या करना खरीदना या क्रय करना पूंजी का सामान खरीदना जिससे कि भविष्य में हमें क्या हो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो या भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं निवेश कहते हैं इसके बारे में डिटेल में हम सेकंड लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं निवेश वस्तुएं जैसे कि यहाँ दे रखा है मशीन भी अंतिम वस्तुओं का क्या होती है भाग अंतिम वस्तुएं क्या होती है जो कि अब और कि किसी और वस्तु में इसका रूपांतरण नहीं हो पाएगा जैसे कि मशीन है मशीन क्या हो गई अंतिम वस्तु हो गई पूंजीगत वस्तु हो गई इससे और अधिक वस्तुएं बन सकती हैं लेकिन ये खुद कुछ और नहीं बनेगी तो ये अंतिम वस्तु हो गई कौन सी मशीन तो ये भी अंतिम वस्तु का क्या है भाग है ये कच्चे माल की तरह है। मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं है ये मध्यवर्ती वस्तु नहीं है कच्चा माल मध्यवर्ती वस्तु होती है जैसे कि रुई जैसे कि अभी धागा बनने वाला है तो वो क्या हो गई मध्यवर्ती वस्तु क्योंकि इसका रूपांतरण अभी किसी और चीज़ में होने वाला है जबकि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो अंतिम वस्तुएं भी हो सकती है जैसे कि मशीन मशीन क्या है इसका और अधिक उत्पादन करके देगी अर्थात ये पूंजीगत वस्तुएं हैं भविष्य में उत्पादन क्षमता के इसमें सुधार होगा लेकिन इसका रूपांतरण किसी और वस्तु में नहीं होगा तो ये अंतिम वस्तु ही होगी मशीन वस्तुएं हमने पढ़ा था सेकंड लेसन में बहुत अच्छे से इसे किसी दिए हुए वर्ष में मशीनों का जो उत्पादन होता है उनका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता है समझ में आया कि किसी दिए वर्ष में मशीनों का जो उत्पादन हुआ उसका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता है मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमने मशीन का जो उत्पादन किया है वो मशीन अब और किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी इससे कुछ और अंतिम वस्तुएं नहीं बनेंगी बल्कि कई वर्षों तक उसकी सेवाएँ ली जाती हैं मशीन का हमने उत्पादन कर दिया मशीन से हमारी माल सूची में वृद्धि हो गई अर्थात हमारा स्टॉक बढ़ गया हमने मशीन खरीदी अब वो मशीन है वो केवल स्पर्श काम नहीं आएगी बल्कि कई वस्तुओं कई वर्षों तक हम उनकी सेवाएं लेते रहेंगे उस मशीन से और अधिक उत्पादन करते रहेंगे जैसा कि हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा था कि उस मशीन में टूट फूट होगी घिसावट होगी जिस पूंजी का हाथ होगा लेकिन वो मशीन सालों साल क्या होगी चलेगी ठीक है बच्चों एक साल का तो वो स्टॉक हो जाएगी जिसे कि हम लिखेंगे और बाद में वो क्या होगी स्टॉक जो माल सूची है वो उसमें निवेश का रीजन बनेगी अर्थात माल सूची में हमने यहाँ पर क्या कर दिया मशीन को लगा दिया तो वही माल सूची हमें हर साल काम में देगी तो ये क्या होता है निवेश करना जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक फर्म है या एक उत्पादक है वो क्या करता है मशीनें खरीदता है इसके अलावा औजार खरीदता है भवन निर्माण करवाता है पूंजी ब्याज मिलता है तो ये सारी चीज़ें वो लगाकर क्या करता है उत्पादन करता है तो ये सब चीज़ें क्या है निवेश है जो कि वो क्या करेगा जिससे उत्पादन बढ़ाएगा और अधिक लाभ कमाएगा आगे बच्चों समझ में उत्पादकों का निवेश संबंधी निर्णय जैसे कि नई मशीनों की खरीद अधिकांशतः ब्याज की बाजार की जो ब्याज दर है उस पर निर्भर करता है जैसे कि कोई भी उत्पादक है वो निवेश करना चाहता है अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है लेकिन वो निवेश कितना करे वो किस पर निर्भर करता है ब्याज की दर पर यह हम ये कह सकते हैं कि जो आय है जो यहाँ पर आय किसको दिखा दिखा रहा है निवेश को वो निवेश किस पर निर्भर करता है वो निर्भर करता है आर लिख दो आप ब्याज की दर पर जैसे कि हमने बताया था जो कंज्यूमर जो कंजप्शन था उपभोग है वो किस पर निर्भर करता है आय पर निर्भर करता है वैसे जो निवेश है वो निर्भर करता है ब्याज की दर पर ब्याज की दर पर कैसे निवेश निर्भर करता है कि यदि ब्याज की दर अधिक होती है यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का अधिक प्रचलन चल रहा होता है बाजार में ब्याज की दर अधिक होती है तो जो व्यक्ति है फर्म है या उत्पादक है वो कम निवेश करेगा क्यों क्योंकि जो उसको पैसा मिलेगा ब्याज की दर पर जो वो खरीदेगा मार्केट से लोन उठाएगा तो वो उसको महंगा मिलेगा तो ऐसे महंगे में वो निवेश क्या होगा कम कर पाएगा इसके विपरीत यदि हम देखें कि यदि ब्याज की दर कम होती है तो उसको पैसा क्या होगा मुद्रा जो जो उसको साख है वो सस्ती मिल जाएगी अर्थात उसको लोन सस्ते मिल जाएंगे तो वो मशीन खरीदेगा और फिर निवेश करेगा कहने का मतलब यहाँ पर है कि ब्याज की दर से जो निवेश है वो ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है।, की दर अधिक होती है तो निवेश कम किया जाता है ब्याज की दर कम होती है तो निवेश अधिक किया जाता है तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए आपको ब्याज की दर से निवेश कैसा होता है ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है नई मशीनों की खरीद जिसे कि हम निवेश यहाँ पर बता रहे हैं वो किस पर निर्भर करेगा बाजार की जो ब्याज की दर है उस पर निर्भर करेगा ठीक है बच्चों समझ में आ गया किंतु सरलता की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि फर्म हर वर्ष उसी मात्रा में निवेश करने की योजना बनाती है प्रत्याशित निवेश मांग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि हमने अभी उपभोग मांग के बारे में पढ़ा था कि वो कैसी होती है प्रत्याशित उपभोग तो भी होता है और यथार्थ उपभोग तो भी होता है अब हम यहाँ सरलता दिखाने के लिए हम ये मान लेते हैं हम जो फॉर्मूले हैं उसको ईजी करने के लिए ये हम यहाँ पर मान मान लेते हैं कि फर्म उसी मात्रा में निवेश कर पाता है जितनी की वो योजना बनाता है कहने का मतलब है कि जो प्रत्याशित निवेश है वो किसके बराबर होता है यथार्थ निवेश के बराबर होता है तो इसीलिए हम यहाँ पर जो निवेश है उसको क्या कर देते हैं स्थिर कर देते हैं अर्थात जो यहाँ निवेश दर्शाया जा रहा है वो स्वायत्त निवेश जैसे स्वायत्त उपभोक्ता है ना जिसमें हमने सी के ऊपर कांस्टेंट का मार्क लगा दिया था वैसे आई के ऊपर हम यदि कांस्टेंट का मार्क लगा देते हैं तो वो प्रत्याशित निवेश हो जाता है अर्थात वह निवेश ही क्या है यहाँ पर निवेश को दर्शा रहा है जो यहाँ पर हम निवेश की बात कर रहे हैं आय की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम केवल प्रत्याशित निवेश की बात कर रहे हैं ताकि कि आपकी जो इक्वेशन है वो सरल हो जाए हालांकि ये निवेश भी और चीज़ों पर निर्भर करता है जैसे मैंने आपको ब्याज की दर पर बताया है लेकिन हम यहाँ पर केवल प्रत्याशित निवेश की बात कर रहे हैं जो कि आय से स्वतंत्र होता है आय होने पर भी ये निवेश तो मतलब आय या उत्पादन क्या होने पर शून्य होने पर भी ये निवेश तो किया ही जाएगा आगे बच्चों समझ में तो यहाँ पर इसने जो आई दिखा रखा है जो प्रत्याशित निवेश की बात हो रही है वो इसने यहाँ आई के ऊपर कॉन्स्टेंट का मार्क लगा दिया अर्थात ये कैसा निवेश है स्वायत्त निवेश है जो कि किया ही जाएगा और इसको यहाँ पर स्थिर कर दिया गया है आगे बच्चों समझ में तो ये प्रत्याशित निवेश है कौन सी है प्रत्याशित निवेश मांग मतलब हमने जितनी योजना बनाई थी हम उतना निवेश कर रहे हैं जहां आई धनात्मक स्थिरांक है धनात्मक स्थिरांक है आई दिए हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्त अर्थात दिया हुआ अर्थात बहिर्जात निवेश को प्रदर्शित करता है आई यहां पर क्या देखा है बहिर्जात प्रत्याशित या फिर हम कह सकते हैं स्वायत्त निवेश जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है जो कि हमें अर्थव्यवस्था में पहले से दिया हुआ हम मान रहे हैं हम यहाँ पर इसकी गणना नहीं कर रहे हम इसको पहले से दिया हुआ मान रहे हैं इस प्रकार से हम आई का मान यहाँ पर आई के ऊपर कॉन्स्टेंट का मार्क लगाकर देख लेते हैं तो हमने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर देख लिए जो सी है उसको भी हमने याद कर लिया सी सी ठीक है फिर इसके बाद हमने निवेश है उसको भी हमने हमने ज्ञात कर लिया यहां पर आई ठीक है तो उपभोग मांग भी हमें ज्ञात हो गई और निवेश मांग भी ज्ञात हो गई तो इस प्रकार से दो तरह की जो मांग है जो कि समग्र मांग के अवयव है वो दोनों हमें ज्ञात कर लिए अब इन दोनों मांग से दो सेक्टर जो अर्थव्यवस्था है दो सेक्टर अर्थव्यवस्था दो सेक्टर मतलब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें हमने उपभोग और निवेश मांग दोनों को देखते हैं उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि समग्र मांगे जो दोनों अवयव हैं उपभोग मांग और निवेश मांग जिसके द्वारा जो दो सेक्टर जो अर्थव्यवस्था है उसमें आय का निर्धारण कैसे होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए आपको ये जो सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है आशा है कि आपको चीजें समझ में गई होगी जो चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप क्या करिए जो वीडियो है उसको पॉज कीजिए रिवाइंड कीजिए दोबारा सुनिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और डायग्राम जो बनाया है वो भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ठीक है बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक यू